अस्सलाम वालेकुम। फंदक मियात अल मजद। स्टार कैटेगरी का ये होटल मुनासिब होटल है। ये मैं आपको उसकी लॉबी दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए लिफ्ट, मियात अल मजद होटल मक्का। ये लॉबी में इसका वॉशरूम वगैरह भी बना हुआ है। ये इसकी लॉबी, तुम चलो ऊपर, तुम हार। ये सामने लिफ्ट और ये रिसेप्शन एरिया। तो मैं इंशाल्लाह आपको इस होटल से हरम का फासला बताऊंगा। मेन ये मेरी वीडियो सिर्फ डिस्टेंस के लिए है कि इस होटल का डिस्टेंस हरम तक कितना है। ये छोटी सी गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये होटल की क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो ये नीचे 100 मीटर के फासले तक ये उतारती है और वहाँ से पैदल आगे जाना पड़ता है। यहाँ से तकरीबन 900 मीटर के फासले पर हरम है और तकरीबन 15-1 मिनट जो है ना वो राउंड मोड़ लग जाएंगे, टनल के ज़रिए जाएंगे। टनल से रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो इसके साथ जोहरात अल मजद होटल और ये मियात अल मजद होटल और इसके साथ डेरी अल मजद होटल। तो यहाँ से इंशाल्लाह हरम तक पैदल चलेंगे। जी तो ये इसने उतार दिया। ये सामने फंदक सैफ अल मजद, वहाँ से ये गाड़ी हमें लेके आई है। ये तकरीबन 100 मीटर का फासला आप कह लें इसको बनता है। ये सामने होटल जोहरा अल मजद। तो ये काफ़ी चढ़ाई थी तो ये जो गाड़ी है ये नीचे तक लेके आई है। तो यहाँ से इंशाल्लाह हरम तक मैं पैदल चलूँगा और रास्ता टनल जाऊँगा। दो रास्ते हैं, एक सामने का रास्ता आपको नज़र आ रहा है वो शहर हिजरा की तरफ जाता है और एक मैं यहाँ से दाएं जानब चलूँगा तो इंशाल्लाह ये रास्ता सीधा टनल की तरफ जाएगा। जी तो अब मैं इस टनल के थ्रू ही इंशाल्लाह हरम तक पैदल वॉक करूंगा और आपको तकरीबन पता लग जाएगा कि हरम तक टनल के थ्रू कितना टाइम लग जाता है। तो ये एक तो रास्ता आसान है, रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट भी है, उतराई चढ़ाई नहीं है इस रास्ते में। तो सीधा ये हरम तक बाबे अब्दुल अज़ीज़ गेट के सामने निकलता है, क्लॉक टावर के नीचे से होके तो ये रास्ता जो है ना वो सीधा हरम तक पहुंच जाता है। तो ये टनल काफ़ी ज़्यादा होटलों के लिए इस्तेमाल होती है हरम तक जाने के लिए। तकरीबन इसमें काफ़ी मशहूर होटल भी हैं जैसे कि सैफ अल मजद है, जोहरात अल मजद होटल है, अल मियात अल मजद होटल है, डेरी अल मजद होटल है और दूसरी तरफ आप देखें तो कड़ी अल हिजरा है, मुआदा अल हुसैन होटल है, रिहाब अल बिस्तान 3, रिहाब अल बिस्तान 4, वो भी इसी रास्ते से जाएं तो शहरा हिजरा की नस्बत ये रास्ता जो है मुनासब पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो इसके अलावा जो है नजमतुल खलीज होटल है, मकारम अल हिजरा 4 स्टार होटल है, बिल्कुल
कुबरी के पास होटल है वो, अब्बास गोल्डन, वो भी मिसला कुबरी के कोने में होटल है, और एक रूटीन का होटल है फंदक जाफरिया। तो ये तकरीबन को 10-12 होटल बिल्कुल इस टनल के राउंड बाउंड दाएं बाएं हैं, जो इस टनल के थ्रू जाएं तो वो उनका रास्ता काफ़ी मुनासिब रहता है। इस रास्ते का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ से ना तकरीबन रास्ता वगैरह क्लोज़ नहीं करते, नमाज के वक़्त आप नमाज से थोड़ी देर पहले भी चले जाएं तो ये सीधा हरम तक जो है ना वो आपको पहुँचा देंगे। और दूसरी जानब जो शारे हिजरा है, यहाँ शारे इब्राहिम खलील रोड है, तो उसमें ये फ़र्क आ जाता है कि वो ये नमाज के वक़्त उसका रास्ता जो पहला रास्ता है वो क्लोज़ कर देते हैं, उसका बाद दूसरा उसका रास्ता क्लोज़ कर देते हैं, फिर काफ़ी आगे जाकर जो नया हरम है बाबे अब्दुल्ला की तरफ वहाँ से जाना पड़ता है, तो जिससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये है कि ये अब इंशाल्लाह हम टनल से निकलेंगे तो आगे बस स्टैंड आएगा, जो तकरीबन कुछ शटल सर्विस होटल हैं जो बस स्टैंड वहाँ तक आके पहुँचाती है, वो इस टनल के ज़रिए ही सारे बसें वहाँ पहुँचती हैं, जैसे कि मशहूर होटल है 5-स्टार होटल वोको 5, भी अब इसी रास्ते से बस लेके आ रही है, और दूसरा ले मेरिडियन टावर, ये भी 5-स्टार होटल है, यही ये भी यहाँ क्लाक टावर के पीछे बैग में उतारती है, और वहाँ से तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में बंदा जो है ना वो हरम तक पहुँच जाता है। तो ये टनल मैं अभी तक तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3 से 4 मिनट हो गए हैं जब से मैं ये चला हूँ। तो ये सब हाजी जो भाई टनल है देखें तकरीबन हरम की इसका तरफ नमाज के फासला लिए ही जा जो रहे हैं, वो 300 मीटर के राउंड मोड है सिर्फ टनल का, ठीक है, जिसके थ्रू हम जाएंगे, बाकी ज़ाहर है कोई 300 मीटर या 400 मीटर आगे भी फासला है। टोटल ये तकरीबन 600 मीटर का फासला जो है ना वो टनल के थ्रू टनल से लेकर हरम तक बन जाता है। तो ये मैं अभी हरम टनल से बाहर इंशाल्लाह निकलूँगा, तो अब आगे आपको दिखाऊँगा कि इन्होंने बस स्टेशन बहुत ही अच्छा जो है वो भी जगह बनाई हुई है। ये सारा ना जो पहाड़ है जिस टनल के थ्रू हम जा रहे हैं, ये उसके ऊपर सारा पहाड़ है और ये आगे भी पहाड़ था, तो वो उसको सारा काट के इन्होंने ये सारा जो एरिया है ना ये बनाया हुआ है। तो इसके हम दाएं जानब अगर देखें तो शहर अजियात है, वहाँ भी होटल आपको नज़र आएंगे, और अगर बाएं जानब देखें तो बाएं जानब शहर इब्राहिम खलील रोड है, तो कबूतर चौक बाएं जानब आ रहा है अभी, वहाँ भी इसी बस स्टेशन का काम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो आप देखें सामने आपको बसें नज़र आ रही होंगी जो इस बस स्टैंड तक आती हैं और यहाँ से हाजियों को उतारती हैं, और उसके बाद हाजी जो है ना वो सीधा हरम तक चले जाते हैं। ये आप देखिए ये सारा एरिया सामने अजियाद रोड का नज़र आ रहा है, ये क्लॉक टावर है, इसके नीचे से हम गुज़र के जाएंगे, और ये सारा कबूतर चौक का एरिया इब्राहिम खलील रोड, सामने आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो जबल उमर की बिल्डिंग्स हैं, सारे 5-स्टार होटल हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ होटल्स की बसें खड़ी हुई हैं, ये सारी जिनकी शटल यहाँ तक उतारती है, ये शटल का बस स्टैंड भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये सारा एरिया जो है वो ये बस स्टैंड जहाँ शटल सर्विस आके उतारती हैं। तो हम अब आगे जाएंगे तो हम क्लॉक टावर, रॉयल क्लॉक टावर मक्का होटल है जो, वो उसके नीचे से जाएंगे। इस होटल में तकरीबन 7 बिल्डिंगें हैं और 7 होटल हैं, जमदम होटल जैसे आपने काफ़ी मशहूर सुना होगा, उसके बाद मरवा रोताना है, अल मरवा रोताना, तो उसके बाद और भी होटल हैं। तो ये हम ये क्लॉक टावर की बिल्डिंग
यहाँ से ऊपर तक भी नहीं नज़र आ रही। तो ये अब बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे से गुज़र रहे हैं। तो जो होटल्स हैं उनका जो मेन गेट है होटल्स का, वो भी यही है जहाँ तक पार्किंग आती है बसें वगैरह। यहाँ नीचे आकर जो ये 5-स्टार होटल्स हैं सारे, ये जो 7 होटल हैं, तो इनकी पार्किंग भी यही मौजूद है, बसें भी यहीं आकर हाजियों को उतारती हैं। और अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह में भी आएँ तो फिर भी यहीं तक आकर गुजरें। तो ये तकरीबन मैं यहाँ तक 6 से 7 मिनट में पहुँच चुका हूँ। तो आगे मेरा ख्याल है कि 2-3 मिनट का रास्ता और होगा। तो ये अभी आपने देखा है कि सारे का सारा रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है और मैं बिल्कुल स्लो स्लो आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल तेज स्पीड के साथ नहीं आ रहा। ये हाजी दोस्त देखें भाई जो आगे जा रहे हैं और तकरीबन मेरे से आगे काफ़ी गुजर गए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि मैं बिल्कुल जो वॉक कर रहा हूँ वो बिल्कुल स्लो कर रहा हूँ। तो अभी आपको ये गाड़ियाँ वगैरह सामने नज़र आ रही हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारी इन होटल्स के लिए ही आई हुई हैं कि यहाँ पर ये अपने हाजी को उतारेंगे। और ये सामने सारी ये मोवेंपिक होटल्स 5-स्टार क्लॉक टावर की, ये भी क्लॉक टावर का होटल है। तो यहाँ से ही नीचे से ये गाड़ियाँ आगे पार्किंग में चली जाती हैं। तकरीबन 4-5 फ्लोर इसके सिर्फ पार्किंग के हैं। फर्स्ट जो 4-5 फ्लोर हैं वो सिर्फ ये क्लॉक टावर बिल्डिंग के पार्किंग के होटल हैं। तो अभी बाएं जानब ये दूसरा होटल आ गया इसका, पुलमैन जमजम। पुलमैन जमजम 5-स्टार होटल है, ये भी काफ़ी मशहूर होटल है। ये आप देखें स्विस्टल मकाम होटल, ये उसकी इंट्रेस आ गई रिसेप्शन एंड इंट्रेस। ये आगे बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है अभी तक। ये एक होटल की ये सामने इंटर है अल मरवा रेहान भाई रोहताना। ये तकरीबन मैंने आपको 5 होटल्स की जो है इंटरेस्ट दिखा दी है। ये अभी रैफल्स मक्का, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होटल है। आप समझें कि क्लॉक टावर की सारी बिल्डिंगों में ये सबसे ज़्यादा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उससे भी ज़्यादा ये कॉस्टली है। इसमें पर रूम तकरीबन 1500 रियाल पर नाइट से शुरू होता है। एक आप डबल रूम 2 बेड का रूम लें तो ये सामने बिल्कुल मैं हरम के नज़दीक पहुंच चुका हूं। और सामने देखें आप हरम की सीढ़ियां, आप अगर सीढ़ियों के ज़रिए जाना चाहते हैं आप वो भी जा सकते हैं। और बाएं जरब इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां भी लगी हुई हैं, मैं इंशाल्लाह उधर से ही हरम तक जाऊंगा। ये आप देखें सामने माशाल्लाह बाबे अब्दुल अज़ीज़ मां माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सारी सीढ़ियाँ हैं आप बाएं जानब देखें, लेकिन ये मैं आपको इस तरह दूसरे रास्ते दाएं जानब से लेके जा रहा हूँ। ये इसके नीचे ये भी मैंने देखा है कि काफ़ी शॉपिंग की दुकानें भी हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो ये इधर से भी सीढ़ियाँ भी जाती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। ये मैं इनके ज़रिए इंशाल्लाह ऊपर हरम तक जाऊंगा। ये बिल्कुल जब सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो हरम में दाखिल हो जाएंगे। और तकरीबन अभी मुझे जो टाइम लगा है वो तकरीबन 10 मिनट में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। टर्मिनल से शुरू होकर यहाँ हरम तक मैं 10 मिनट में पहुँचा। तो ये मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हरम तक पैदल वॉक के ज़रिए बाई टनल के ज़रिए पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे क्लॉक टावर की बिल्डिंग है, क्लॉक टावर और अलसफा टावर। तो सामने हरम, तो
ये देखिए माशाल्लाह मैं हरम तक पहुंच गया। ये सामने बाबे अब्दुल अजीज गेट, यहाँ पर अभी तक काम हो रहा है। ये तकरीबन 5-6 साल से ये मीनार वगैरह बन रहे हैं, तो अभी तक इनका काम हो रहा है। ये आप देखें, ये फाइव क्लॉक टावर मक्का और ये अल सफवा टावर मक्का। ये सामने सारा हरम, इंशाल्लाह अगले